नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। मुकेश सहनी अब बुरी तरह फंस गए हैं। जी हां, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जहां एक तरफ बीजेपी ने उन्हें अपनी पार्टी से निकाल दिया है, यानी कि बीजेपी ने अब मुकेश सहनी को पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया है। उनके तीनों विधायक को बीजेपी ने अपने पाले में कर लिया है और मुकेश सहनी को एक तरफ कर दिया है। कल ही मुकेश सहनी ने इसे लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने लालू यादव का जिक्र किया था। उनका कहना था कि लालू यादव गरीबों के मसीहा हैं और लालू यादव ने एक दिन हमें कहा था कि बीजेपी वाले तुम्हें धोखा देंगे और आज ये दिख रहा है। इस तरीके से उन्होंने कहीं ना कहीं लालू यादव का समर्थन किया है और उसके बाद बिहार की सियासत में कई सारे इसके मायने निकाले जा रहे हैं। ये भी कहते कई बार सुना जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो आरजेडी के समर्थन में जा रहे हैं और आने वाले समय में वो आरजेडी के साथ हो सकते हैं, लेकिन अब आरजेडी ने भी उन्हें अपनाने से मना कर दिया है। जी हाँ, आज राबड़ी देवी ने इस बात का जिक्र किया है और साफ कर दिया है कि अब मुकेश सहनी आरजेडी में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि इसके पहले मुकेश सहनी ने कहा था कि राजद ने पीठ में खंजर भोंका है और उसके बाद वो आरजेडी छोड़कर के बीजेपी में शामिल हुए। अब बीजेपी जिस तरीके से उनके तीनों विधायकों अपने पाले में की है, उसके बाद कहीं ना कहीं वो अब आरजेडी का रुख करना चाहते हैं, लेकिन आरजेडी की तरफ से अब उन्हें नो एंट्री दे दी गई है, यानी कि राबड़ी देवी ने एक बड़ा बयान दे दिया है। क्या कुछ कह रही है राबड़ी देवी, आइए हम आपको इस पूरे वीडियो में बताते हैं। मुकेश सहनी की पार्टी को तोड़ दिया गया मैम। तो मुकेश सहनी समझे ना, लालू जी याद आता रहा मैडम, पहले लालू जी याद नहीं आते थे। लालू जी तो जवान दिए बोलने के, बाका विकास किए पूरे बिहार में, लोग जवान दिए, चलने के सिखाए, बोलने के सिखाए। लालू जी का देना है कि आज गरीब रोड पर अपना हक के लिए लड़ाई कर रहा है। मुकेश सहनी को इतना बड़ा विकास कौन किया है? कौन किया है? आप बुलाइएगा, याद कर रहे हैं, आप बुलाइएगा, आपको तो याद कर रहे हैं। काहे बुलाएंगे हम, काहे बुलाएंगे, मन से गए जाएंगे अपना। आज विधानसभा में बैठक के शुरू होते ही पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। मुकेश सहनी को लेकर चल रहे सस्पेंस को भी उन्होंने साफ किया है। कहा है कि मुकेश सहनी की महागठबंधन में वापसी नहीं होगी, वह महागठबंधन छोड़कर गए थे, हम लोगों ने उन्हें भगाया नहीं था। आज बीजेपी के नेता उनके साथ जो बर्ताव कर रहे हैं, तब लालू यादव जी को याद आ रहे हैं। लालू जी गरीबों के नेता हैं और नेता रहेंगे। राजद में सहनी समाज के बहुत सारे नेता हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वह पैसे वाली पार्टी है, जोड़ तोड़ की राजनीति पैसे के बदौलत करती है और योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री शामिल होने वाले हैं, उसे लेकर के उन्होंने तंज कसा है। कहा है डबल इंजन की सरकार है तो उन्हें जाना ही चाहिए। तो इस तरीके से राबड़ी देवी ने अब सीधे तौर पर मुकेश सहनी को अपनी पार्टी में एंट्री करने से मना कर दिया है। जहां ये कयास लगाए जा रहे थे कि मुकेश सहनी अब आरजेडी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि बिहार में विधानसभा के उपचुनाव हैं और उपचुनाव में ये सारी घटनाक्रम हुई है, उपचुनाव को लेकर के ही सारे समीकरण बदले हैं, जिसमें बीजेपी का पत्ता साफ हो चुका है। उनके जो तीन विधायक थे, वो तीनों विधायक अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं और एक विधायक की मृत्यु हो गई है, जहां उपचुनाव होने वाले हैं। और इसे ही लेकर के पूरी राजनीति बदलती जा रही थी और जहां मुकेश सहनी अब अकेले अपनी पार्टी में बच गए हैं, तो कहीं ना कहीं वो अब आरजेडी का सहारा ले सकते थे, क्योंकि अब उन्हें उपचुनाव जीतना काफ़ी मुश्किल हो गया है, क्योंकि वो अकेले पार्टी में रह गए हैं। तो ऐसे में वो चाह रहे थे कि वो आरजेडी का सपोर्ट करें, आरजेडी का समर्थन, और इसीलिए उन्होंने लालू प्रसाद यादव का जिक्र किया। लेकिन राबड़ी देवी ने अब यह साफ कर दिया है कि वो पार्टी छोड़ कर गए थे, अब वो पार्टी में शामिल नहीं हो सकते हैं। और भी ऐसी खबरों के लिए आप कशिश न्यूज के साथ बने रहिए। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पेज पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। आप हमें ट्विटर हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।